हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। 8 दिसंबर आज जो सिर्फ थर्ड का एग्जाम था वो और हो चुका है। उसके कुछ रिव्यू मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले भी जो पहले 2 सिफ्ट का एग्जाम हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड का, उसके एग्जाम एनालिसिस के वीडियो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हों जाके चैनल पर देख सकते हैं। पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पेपर के पैटर्न में, पेपर के लेवल में कोई बड़ा चेंज नहीं है। छोटा मोटा हल्का फुल्का चेंज अपने कह सकते हैं शायद सेकेंड स्लॉट के इंग्लिश के लिए बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा टफ था कंपेरेटिवली सेकेंड। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले क्वांट का आपको रिव्यू दूं तो क्वांट में क्या पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन वही 10 क्वेश्चन, देन नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस एंड वो भी मिसिंग। आपने देखा कल 2 शिफ्ट में रोंग आया, उसके बाद ये कंटिन्यूस मिसिंग ही आपके पूछा जा रहा है। और क्वाड्रेटिक फिर पूछा गया और क्वाड्रेटिक से आपको क्वेश्चन मिले 5, तो ये 20 क्वेश्चन। देन एक डीआई आया, टेबुलर डीआई है, टेबुलर डीआई पूछा गया, 5 क्वेश्चन इसके आए। तो ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे पहले करने वाले हैं और जिनमें टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला। टेबलर डीआई 4 कंपनीज हैं, ABCD, और उनमें जो प्रीपेड मोबाइल के कंज्यूमर्स से कई इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 4 महीने थे, मई से लेके जुलाई तक, मई जून जुलाई सॉरी अगस्त तक, उसमें कोई उनके डाटाज दे दिए। फिर अपने जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके एक आध कोई परसेंटेज से रिलेटेड पूछ लिया, कोई एवरेज पूछ लिया, कोई आपका रेशियो पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट, करने लायक था। उसके बाद जो मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए, और इन 10 में से आपके मिक्सर एंड एलिगेशन पे भी क्वेश्चन थे, सिंपल एंड इंटरेस्ट कंपाउंड। आप देखिए इस साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ लोड तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ भी उससे पूछा गया, टाइम एंड वर्क पूछा गया, पार्टनरशिप पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा गया, तो 10 क्वेश्चन एवरेज पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया। मतलब 10 क्वेश्चन जब मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम से आते हैं तो आप मान के चलिए कि पूरा जो आपका सिलेबस कवर हो जाता है, एक तरह से सभी टॉपिक्स को टच कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन आसान था, सॉरी पेपर, और तो इसमें एटलीस्ट आप देखो ये 25 क्वेश्चन आप काफी फास्ट कर सकते हैं। फिर बचे हुए टाइम में इन 10 क्वेश्चन में से छोटे क्वेश्चन ढूंढ के भी आई थिंक 28+ तक आप अटेम्प्ट इसमें कर पाएंगे होंगे आराम से। देन अगर अपने रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग में भी कोई चेंज नहीं है बड़ा, वही जो सेट चल रहा है, 4 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 4 सेट हैं, वो यहाँ भी हैं, फिर मिसलेनियस है। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अगर यहाँ देखें तो पहला एक आपका आया है फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड, पहला फ्लोर बेस्ड है, आई थिंक इसमें 8 फ्लोर हैं और 80%, राइट। दूसरा सिंपल है बिल्कुल, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसके अंदर कॉर्नर में और बाहर, जो ये जो सेंटर में है ये आउटर फेस है और ये इनर फेस है, राइट। तो ये आपके 8% का ये एक आ गया। देन एक जो क्वेश्चन आपका फिर आया है आगे, वो आया है 8 बैग्स को लेके, वो आई थिंक वजन के अकॉर्डिंग है और उनका अरेंजमेंट करना था 8 बैग्स का, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आया। देन आप देखें तो एक अनसर्टेन नंबर्स का था, अनसर्टेन नंबर्स और ये सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और उनका एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो 4 तो ये यहां से 20 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए, कोई सेट पैटर्न है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चेंज आया हो। एंड देन आप ये इसमें अगर देखें तो आपके सिलोग्स के यहाँ भी क्वेश्चन आए, सिलोगिज्म, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको सिलोग्स के 3 ही मिले और डायरेक्शन के यहाँ क्वेश्चन आए, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो यहाँ, और वो भी 5 आए, राइट। और इसके अलावा आप देखेंगे एक नंबर सीरीज है, नंबर बेस्ड सीरीज, जो एक नंबर बेस्ड सीरीज, इसमें 5 क्वेश्चन इसके आए, 5 और 5 10 और 3 13, 2 मिसलेनियस क्वेश्चन कोई आपके
बन गए। तो इस तरीके से ये 35 क्वेश्चन तो मोर और लेस वही लेवल है, 20 प्लस 15 का ही वेरी बिगनिंग से पैटर्न चल रहा है। किसी में आपके इनइक्वालिटी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, न्यूमेरिक आ गई, कहीं इनइक्वालिटी आ गई, कहीं सिलोग्स आ गई। डायरेक्शन का आई थिंक ये फर्स्ट टाइम से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पांच मिले हैं एक साथ। सॉरी, इंग्लिश में भी देखें तो इंग्लिश के पैटर्न या लेवल में कोई बड़ा चेंज कहीं नहीं है, वही पैटर्न। आरसी के आई थिंक यहाँ 7 क्वेश्चंस थे, 7 में से 2 क्वेश्चन वही आपके वोकैब बेस्ड थे और एक क्वेश्चन अंदर ही कोई फिलर दिया हुआ था। ये सेट पैटर्न वेरी बिगनिंग से चल रहा है, तो 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। इसके बाद आप फिलर एरर स्पोर्टिंग या करेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा आ रहा है। एरर स्पोर्टिंग हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, करेक्ट सेंटेंस हो, सेंटेंस तो एरर से रिलेटेड अभी तक तो ज्यादा क्वेश्चन आए। यहाँ भी आए, जैसे यहाँ मिस स्पेल्ड के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए, और इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन ही आए फ्रेज रिप्लेसमेंट के। फ्रेज रिप्लेसमेंट से यहाँ 5 क्वेश्चन थे। देन आप अगर देखें करेक्ट सेंटेंस फाउंड करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको ऑप्शंस में सेंटेंस दिए हुए उनमें से करेक्ट को फाइंड करना था, ये भी 5 क्वेश्चन थे। तो 15 और 7 22 क्वेश्चन आपके ये बन गए। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन थे वो आपके वर्ड अरेंजमेंट के थे, वर्ड अरेंजमेंट इसके 3 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा आपके कितने बच गए, अब 7 और 3 10 और 15 25, 5 क्वेश्चन आपके पैरा जंबल के पूछे गए। सॉरी, पैरा जंबल भी यहाँ पूछा गया आपके, पैरा जंबल 5 क्वेश्चन। तो ये इस तरह का सेट पैटर्न आया, ये 30 क्वेश्चन आए, लेवल मोर और लेस वही था जो आपके। और आरसी है ये इम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के रिलेशन को लेके आपके आरसी पूछी गई थी। तो लेवल वैसा ही लेवल है, मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है इंग्लिश का वैसा ही। जिन बच्चों की इंग्लिश, आजकल देखिए बैंकिंग सेक्टर की जो भी कोई एग्जाम आप क्रैक करेंगे, एटलीस्ट प्री लेवल की, उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल हो गया, क्योंकि सेक्शनल टाइप है। क्वांट और रीजनिंग में आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा आता है कि जितने क्वेश्चन है आप पे, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है। हर बच्चा 35 के 35 क्वेश्चन उसको आते हैं, जिनकी भी एवरेज एंड अबव प्रिपरेशन है, हर कोई 35 के 35 क्वेश्चन मैथ्स के कर सकता है, 35 रीजनिंग के। अब उन 20 मिनट में मान लो एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस उसने क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर यहाँ इंग्लिश में आप देखेंगे तो उन 20 मिनट में डिफरेंस 8-10 नंबर तक का क्रिएट हो सकता है। एक बच्चा जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है वो 15 प्लस 15-16 के पास ही रह गया, और जिसकी अच्छी है वो 27-28 तक चला गया। तो उसको कम्पीट करना बड़ा टफ है, इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा हो गया है आजकल इनके प्री लेवल की एग्जाम्स में। तो ये आज के इस का रिव्यू था। एक के मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि फोर्थ शिफ्ट के बाद चारों को ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, उसमें चारों आज की भी करेंगे, कल वाली चार कर दी थी, चार आज की करके फिर आठों को एक एनालाइज करेंगे कि भाई एड्स लोड की जो एग्जाम हुई उसमें क्या था, और क्या इनमें गुड अटेम्प्ट्स अपने मान सकते हैं, और क्या इनके आपस के जो पेपर में जो डिफरेंस लोड वाइज कितना बड़ा डिफरेंस था नहीं था, क्या पैटर्न रहा, तो आठों स्लॉट का एक तरह से वो ओवरऑल एनालिसिस हो जाएगा। तो वो सेशन जरूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।